everyone, I'm Kriti, your educator for logical and quant, and today we are going to discuss about Amity Law School, Noida. Bahut sare queries is school ke baare mein aate hain, so let's discuss about it. Sabse pehle to, what are we going to do in the class, guys? So we are going to discuss about everything about the school, unka placement record kya hai, fee structure kya hai, admission process kya hai, criteria kya hai, eligibility kya hai. Theek hai, apart from that, hum ye bhi discuss karenge kaun kaun si bahut sari activities hoti hain is university mein. Theek hai, ye kahan par hai, kab shuru hua tha law yahan pe, we are going to discuss about everything in the class. So let's begin quickly, guys. सबसे पहले तो आज का एजेंडा जो मैंने अभी आपको बता दिया है, which is written on the screen as well. Now, guys, कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं. This college was founded by RBEG, that is Ritnan Baldev Education Foundation. ठीक है, कॉलेज में लॉ स्टार्ट हुआ था 2004 में. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस जहाँ पे की लाइक फाइव ईयर लॉ, लाइक वन ऑफ द कॉलेजेस जहाँ फाइव ईयर लॉ शुरू किया गया था. ठीक है, अगर हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग की, सो NIRF रैंकिंग ओवरऑल इन इंडिया इज 44. तक स्पेसिफिकली लॉ की बात करते हैं, सो इट्स अराउंड 14. एंड अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो इट्स अराउंड 4. ठीक है, इट द कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, देर आर अप्रॉक्सीमेटली 65 फैकल्टीज, एंड जो एनरोलमेंट यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 1000 से भी ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, द यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC. ठीक है, ऑल्सो बाय IP यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये हो गया कॉलेज के बारे में एक अपडेट. अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ ऑफर किए जाते हैं. तो कोर्सेज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दोनों ऑफर होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट ग्रेजुएट कोर्सेज एवरीवन, देन यहाँ पे LLB में 3 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं. वन इज योर PA LLB, अदर इज योर PBA LLB, एंड थर्ड इज योर BCom LLB ऑनर्स. ठीक है, तीनों ही 5 साल के कोर्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे 3 ईयर LLB भी होता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट LLM एवरीवन, तो वेरियस फील्ड्स में LLM एंड पार्ट टाइम PhD इज अवेलेबल इन द कॉलेज. एंड देन हमारे पास कुछ सेंटर्स हैं जो रिसर्च और कंसल्टेंसी के हैं, जैसे सिक्योरिटी लॉ पे, लॉ एंड पॉलिसी पे, वो भी आपको इस कॉलेज में मिल जाएंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कि इस 5 ईयर LLB में हमें एडमिशन कैसे लेना है, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है टू टेक दी एडमिशन. तो एवरीवन, एडमिशन के लिए आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जो कि ₹1100, डैट इज 1100 का है. इट इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. आप इस फॉर्म को उनकी वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हो. नाउ दिस फॉर्म इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. दैट मींस इवन इफ आपने क्लैट दिया है या नहीं दिया है, ये फॉर्म तो आपको भरना ही भरना है. सेकेंडली, नाउ द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन क्लैट and they have scored 90% and above in their CLAT exam, they will get the direct admission in all the 3 courses. Okay, that means BA LLB, BBA LLB and BCom LLB में आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा. दो आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो फॉलो करना होगा. नाउ दैट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरीवन है ये कि आपको 12th में यहाँ पे चाहिए 60% अगर आप एक नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी दैट इज जनरल कैटेगरी से हो, एंड आपको चाहिए 55% अगर आप एक स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से हो, दैट मीन्स रिजर्व्ड कैटेगरी से हो. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट गाइस यू हैव टू फुलफिल नो मैटर व्हाट. ठीक है, तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना है. आपको 12th पास होना चाहिए. ठीक है, 12th पास होने के साथ साथ आपका डिफरेंट लाइक 60% या 55% आपके होने चाहिए. ठीक है, क्लैट से डायरेक्ट एडमिशन यहाँ होते हैं. इवन इफ अगर आपके क्लैट में 90 से कम स्कोर आया है, तब भी आप इस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले सकते हो और आप यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हो. आपको Amity ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट होना होगा, जिसके लिए यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म दैट आई टोल्ड यू. That is also available on amity.edu, यानी Amity की जो वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल है वो फॉर्म, उसे आप भर सकते हो. नाउ एनी स्टूडेंट जिसने क्लैट नहीं दिया था, उनके लिए भी ये फॉर्म भरना जरूरी है. आफ्टर दैट उनका कुछ बेसिक एग्जाम होगा, यानी उनका एक रिटन होगा जो कि IPU CET के नाम से जाना जाता है. एंड दिस रिटन इज एक्सट्रीमली ईजी. जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, लाइक यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स. ठीक है, बहुत थोड़ी सी मैथ्स एंड ऑब्वियसली GK से क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, एक्सट्रीमली ईजी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूजुअली क्लियर दिस एग्जाम. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जिन लोगों ने
क्लैट नहीं दिया था या जिनका स्कोर उतना नहीं आया क्लैट में, ठीक है, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें आपके इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे प्लस आपके 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स के मार्क्स जोड़े जाएंगे। यहाँ पे एनी सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल होता है इन 12th, दैट इज फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनी वोकेशनल रिटन नॉन रिटन सब्जेक्ट जो होगा वो ऐड नहीं किया जाएगा। सो रिमेंबर वॉट एवर योर परसेंटेज जो एग्रीगेट बनेगा वो इंग्लिश एंड 3 मेजर सब्जेक्ट से बनने वाला है, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, 12th आपका पास होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए इफ यू हैव नॉट गिवन क्लैट यू हैव टू गिव दिस एग्जाम, ठीक है। इसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग दे विल कॉल यू, दे विल सेंड यू द मेल, ठीक है, या फिर दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू गाइज। ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। सो गाइज देर आर वेरियस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल इन दिस अमिटी यूनिवर्सिटी। ओके नाउ 3 ऑफ देम आर रिटन ऑन द स्क्रीन, वन इज बेस्ड ऑन एकेडमिक्स, अदर इज द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, थर्ड इज द मार्टियर स्कॉलरशिप। मार्टियर स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पे इफ आपके कोई फैमिली मेंबर जो आर्मी में थे एंड ड्यूरिंग द सर्विस उनको कुछ हो जाता है तो आप यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। देन गाइज बात करते हैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की। नाउ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में एवरी वन इफ यू हैव बीन अ प्लेयर ऑन नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, इसके लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। देयर विल बी अ सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ इंटरव्यू होगा, आपका एक ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद आपको जाके स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन योर एज शुड नॉट बी मोर देन 33 ईयर्स फॉर दिस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, ठीक है। नाउ बात करते हैं बेस्ड ऑन एकेडमिक्स। बेस्ड ऑन एकेडमिक एक काफी अच्छी स्कॉलरशिप एमिटी देता है, ठीक है, अगर जिसके क्राइटेरिया की बात करें गाइस। सो दिस इज द क्राइटेरिया, बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ ये एवरी ईयर चेंज हो जाता है, तो इसके लिए आपको एक बार उनकी वेबसाइट को या उनके प्रोस्पेक्टस को जरूर चेक करना होगा। नाउ दिस वॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2020 जिस साल बोर्ड्स नहीं हुए थे। यू कैन सी परसेंटेज बहुत सोर हो गई थी बिकॉज ओवरऑल स्टूडेंट्स का परसेंटेज काफी ज्यादा था। बट अगर आप 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे या 2022 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे, बेसिकली 2021 दिस वॉज फॉर 21 एंड दिस इज फॉर 22, ठीक है, देन यू विल गेट टू सी कि 100% स्कॉलरशिप्स उन बच्चों को मिल गए थे जिनके 93% एंड अबव आए थे, ठीक है। 50% उन्हें मिला था जिनका 90 एंड अबव आया था या 88 एंड अबव आया था, एंड देन रिमेनिंग स्कॉलरशिप्स भी इसी तरह से थे। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी जो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के चेंज होती है थोड़ी सी। बहुत ज्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपने 80 प्लस स्कोर किया है तो इसमें से कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो आपको मिल ही जाती है। सो इस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक बार वेबसाइट को जरूर चेक कर लेना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर द एडमिशन। ओके अब आगे बात करते हैं गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। तो BA LLB, BBA LLB एंड BCom LLB में बहुत स्लाइट डिफरेंस है फी में। इफ आई गिव यू द रेंज ऑफ द फी स्ट्रक्चर एवरीवन, सो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फी लिखा हुआ है। अगर एक रेंज देखी जाए तो फीस अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपए के करीब आपको पड़ती है ये फी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.6 एंड 2.4 इज फॉर नॉन स्पॉन्सर्ड एंड स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर फी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप BCom LLB और BBA LLB में भी देखोगे, सो BBA LLB और BA LLB की फी तो सिमिलर है, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है। BCom LLB की फी थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम होती है अगेन, लेकिन जो रेंज आपका पड़ता है वो अगेन 2 लाख के आसपास पड़ जाता है। सो फी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, बट स्कॉलरशिप्स आर देयर। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के अंडर में आते हो तो आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे छूट मिल सकती है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को जरूर ध्यान से पढ़ो। जब जब एमिटी अपना प्रॉस्पेक्टस निकालता है एवरीवन, एवरी ईयर एडमिशन से पहले एमिटी का एक प्रॉस्पेक्टस आपको मिल जाएगा, दैट वुड बी अ फॉर्मेट, एक बुक फॉर्मेट में होगा या ऑनलाइन फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सब कुछ आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है, वहां पे कोर्स वाइज एवरी फी जो कि अपडेटेड फी होती है या अपडेटेड एलिजिबिलिटी होती है वो आपको दी होती है। सो उस प्रॉस्पेक्टस को एज अ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए एंड अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि अभी करेंटली क्या चल रहा है, ठीक है। देन गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। नाउ दिस कॉलेज हैज अ डिफरेंट प्लेसमेंट सेल फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, जहाँ पे कि इनकी प्लेसमेंट्स के लिए वहाँ पे कंपनीज को बुलाया जाता है। नाउ बहुत सारे बच्चे, और अगर आप स्क्रीन पे देखोगे आई हैव रिटन वेरियस सेक्टर्स जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग चले जाते हैं।
हर बच्चे को प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता. सम ऑफ देम प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, या फिर सम ऑफ देम ट्राई फॉर द लीगल ब्रांच इन आर्म्ड फोर्सेज. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट फर्म्स में भी जाना चाहते हैं. सो दिस कॉलेज डू हैव सम रेंज ऑफ प्लेसमेंट्स हियर. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं जो रिक्रूट करती हैं, देर आर कॉर्पोरेट हाउसेज. ठीक है, प्रोमिनेंट लॉ फर्म्स हैं, लैम्प फेलोज भी यहाँ पे बनते हैं. लैम्प बेसिकली लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, एक तरह की फेलोशिप होती है जहाँ पे आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है. ठीक है, लॉ रिसर्चर्स भी बहुत सारे बच्चे यहाँ बनते हैं. अगर इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो देयर प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आर टेक महिंद्रा, ईस्टर्न बुक कंपनी, ऑल इंडिया रिपोर्टर, विवेक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द कंपनीज, देयर आर सम मोर. नाउ सबसे बड़ी बात कि पैकेज कितना मिलता है, राइट? अभी तक ये सुनने के बाद दिमाग में आ रहा होगा, ओके मैम लाइक मुझे पैकेज तो बता दो. तो पैकेज में गाइज अगर हम इनके लोएस्ट पैकेज की बात करते हैं, तो डैट इज अराउंड 4 लाख पर एनम. दिस हैज बीन द लोएस्ट पैकेज. अगर हम इनके हाइएस्ट पैकेज की बात करते हैं, सो डैट हैज बीन अराउंड 12 to 14 LPA. नाउ परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन भी आपको जानना बहुत जरूरी है. नाउ दिस इज द लोएस्ट पैकेज एंड द हाइएस्ट पैकेज जो मैंने आपको बता दिया. अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं 5 से 6 LPA के आसपास रहता है. दिस इज द एवरेज पैकेज. बट गाइज यू नीड टू नो कि सिलेक्शन कितने बच्चों का हो पा रहा है. ठीक है, इफ यू हैव अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, उसमें लगभग 15 to 20% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है. बाकी ये ध्यान रखना कि हर बच्चे को जॉब नहीं चाहिए होती. ठीक है, एवरीवन सबके अलग अलग अपने फील्ड होते हैं जहां वो जाना चाहते हैं. सो उसमें से लगभग 15% 12 to 15% का अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाता है. बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स बैक कर लेते हैं. ठीक है, सो इंटर्नशिप्स जो ऑफर होती हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे. दिस कॉलेज ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू ज्वाइन वेरियस इंटर्नशिप्स, जहाँ पे यू नो ऑफिसेज में आप जजेस के एज ए लॉ क्लर्क काम कर सकते हो, कमीशंस में काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट हाउसेज में इंटर्न्स बन सकते हो, या पब्लिकेशन हाउसेज में इंटर्न्स बन सकते हो. देर आर एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो जो बहुत अच्छे इंटर्नशिप्स देते हैं, एंड दीज इंटर्नशिप्स डू हेल्प यू गाइज टू बैक द जॉब्स एज वेल. नाउ गाइज लोकेशन एडवांटेज हर कॉलेज का होता है, स्पेशली द लॉ कॉलेजेस. ठीक है, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ आसपास कोई मेजर सिटी है या बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं, तो वहाँ पे आपको इजीली इंटर्नशिप्स भी मिल जाएंगे और इजीली जॉब्स भी मिल जाते हैं. सो दिस लोकेशन एडवांटेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़ एवरी वन, कॉलेज लाइफ कैसी है, तो कॉलेज लाइफ तो देखो अच्छी ही होती है. ठीक है, अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ बताऊँ या तुम्हारे जो कोलीग्स हैं या फिर बेसिकली जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनकी कॉलेज लाइफ बताएं, तो इट हैज़ ऑलवेज बीन गुड. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉ एस्पिरेंट दैट यू शुड नो कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो तुम्हें फायदा देंगी इन फ्यूचर. वन ऑफ द एक्टिविटीज इज मूट कोर्ट्स, डिबेट कॉम्पिटिशंस. इनफैक्ट एमिटी ने इंटरनेशनल मूट कोर्ट भी होल्ड किया था एक बार, आई थिंक इट वॉज इन 2016. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन यहाँ होते रहते हैं. बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, लाइक फैशन क्लब, फोटोग्राफी क्लब, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन ऑब्वियसली इन्जॉय योर कॉलेज लाइफ. बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, जिनका सारा डेटा इनके वेबसाइट पर अवेलेबल होता है. सो योर कॉलेज लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड. देयर कैंपस इज ह्यूज इन गुड. ठीक है, तो कॉलेज ओवरऑल ठीक है. ठीक है, अगर आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, तो यू विल बैक द जॉब. ठीक है, हाँ, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, फी कंपेरेटिवली थोड़ी सी हायर एंड पे रहती है. ठीक है, सो ये सारे क्राइटेरियाज को देख के यू कैन डिसाइड आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है. आई थिंक आई हैव गिवन यू एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट द कॉलेज. ठीक है, स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तो यू कैन राइट दैट क्वेश्चन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू ईच वन ऑफ यू. एंड अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगता है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड गाइज गिव मी द सजेशन कि आपको कौन कौन से ऐसे क्लासेस चाहिए, सो दैट हम बहुत जल्दी आपके लिए ऐसे क्लासेस लेके आए. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन की नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो लेट मी नो एनी ऑफ योर क्वेश्चन जो आपका हो, वो मैं पर्सनली आपको आंसर कर दूंगी इन द कॉमेंट सेक्शन इटसेल्फ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच.